या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। आज के गुड लक में हम आपको बताएंगे मां की महिमा और मां कुष्मांडा का क्या है स्वरूप, कैसे उन्हें मनाएं, कैसे उनको घर में ले आए और गायत्री मंत्र की क्या है महिमा। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपका ही अपना खास कार्यक्रम आज का गुड लक। महामारी की पूजा का क्या है विधान, किस प्रकार से कर लें उन्हें प्रसन्न ताकि आपके घर में आए खुशहाली, आपके बच्चों का लगे पढ़ाई में मन, कारोबार हो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और नौकरी में हो प्रमोशन। ये तमाम प्रश्नों के आपको उत्तर मिल सकते हैं। हम कुंडली के माध्यम से भी बता सकते हैं, वास्तु के माध्यम से भी और आयुर्वेद के माध्यम से। अगर किसी रोग से भी आप पीड़ित हैं तो बस कॉल ही तो लगाना है, एक कॉल लगाओ। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। 9 अप्रैल 2019 दिन मंगलवार, आज कृतिका नक्षत्र है, चतुर्थी शुक्ल पक्ष और चैत्र मास यानी कि माँ कुष्मांडा का आज दिन। आयुष्मान योग चल रहा है, चंद्रमा का भ्रमण की बात करेंगे। वृष राशि में रहने वाला है, राहु काल का समय रहेगा 3 बजे से 4:30 बजे। बात कर लेते हैं आपकी राशि। माँ कुष्मांडा का अगर जिक्र करते हैं तो सबसे पहले माँ कुष्मांडा के नाम की आराधना करने से सभी मनोरथ तो पूर्ण होते हैं। आज का दिन उनकी आराधना का दिन, उनका स्वरूप बहुत मन को भाने वाला है। नवरात्रि के चौथे दिन शक्ति के रूप में उनकी आज पूजा की जाती है। अपनी हल्की सी मंद हंसी से ब्रह्मांड की संरचना कर दी, इसके बाद सृष्टि का संचालन हुआ। भक्तों को कल्याण करने के लिए मां ने ये रूप रखा। जब चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, प्रलय काल के बाद कुछ नहीं था, सब अंधकार अंधकार चारों तरफ, तो मां ने उस अंधकार में अपनी हल्की सी हंसी से, प्रसन्न मुद्रा से मात्र भक्तों के कल्याण के लिए इस संसार का निर्माण कर दिया। और कहते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता है, अंधकार को उठाकर बाहर नहीं रखना। और मां ने सूर्य मंडल के अंदर निवास करने के बाद वो प्रकाश की जो किरण लेके आई इस धरती पर, उससे प्राणियों के जो प्राण हैं वो संचालित किए, यानी कि मां की कृपा से ही आज सृष्टि की रचना है। और शक्ति में उनको कुष्मांडा के नाम से नव दुर्गाओं में चौथे रूप में जाना जाता है। मां के अगर स्वरूप की बात करते हैं, मां सिंह पर सवार है, अष्टभुजा मां की है, बहुत शोभायमान प्रतीत होती है। बाण धनुष मां के हाथ में है, कमल पुष्प अमृत कलश चक्र और गदा, ये इस बात का संकेत है कि अमृत कलश भी है, गदा भी है और चक्र भी है। मां का यह स्वरूप अत्यंत मन को भाने वाला है। इस स्वरूप को देखने से आपके लोक परलोक सुधरता है। मां के आठवें हाथ में सभी सिद्धि और निधियां हैं, ये देने वाली हैं, जबकि एक माला है। आज के दिन साधक लोग जो होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, जो योग साधना में डूबे हुए हैं, जो कुंडलनी जागरण करना चाहते हैं, वो लोग अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करते हैं।
रोग और शोक से मुक्ति का एक ये बहुत बड़ा साधन है। अगर आप रोगों से मुक्त चाहते हैं तो कुंडलिनी जागरण करना सीखें। अगर आप कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं तो समझ लो कि आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं सताएगा। जितनी आपकी आयु होगी उससे आधे दिखेंगे आप। करके देखो एक बार, कोई योग्य लोग मिल जाए आपको जिनसे ऐसी कुछ विद्या सीखने को मिले, जो योग पूरा जानते हो। योग नहीं कि योगा कर लिया था, योग पूरा जानते हैं। योग का अंतिम चरम है समाधि। जिनको समाधि आती हो, जिनको मानसिक यात्रा करनी आती हो, वो माँ के किसी भी लोक में 51 सिद्धपीठ में वो 5 मिनट में जा सकते हैं। इतनी तेज जा सकते हैं वो लोग। इससे क्या मिलेगा, इनकी भक्ति से मिलेगा क्या? आजकल व्यक्ति तो यही पूछता है कि मुझे मिलेगा क्या, मैं क्यों करूं ऐसा काम। आयु यश बल आरोग्यता की वृद्धि होगी, इसलिए कीजिए। माँ कुष्मांडा की मूर्ति के सामने दुर्गा यंत्र रखिए, माँ कुष्मांडा की मूर्ति रखिए, चौकी बनाइए, सुंदर आसन बिछाइए, पीला वस्त्र बिछाएं। आप मनोरथ पूर्ण होने की कामना करें, श्रीयंत्र स्थापित भी कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित करें, पीले पुष्पों से माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। संध्या काल के समय, रात्रि काल के समय करें। रोग से पीड़ित है तो बगलामुखी की आराधना करें। अपने हल्की सी मंद मुस्कान के साथ इस मंत्रों का जाप करें। रात्रि काल को भी करें पीले पुष्प से, पीले आसन पर बैठकर। अगर आप रोग से पीड़ित हैं, आप शत्रु से पीड़ित हैं, शत्रु भय आपको, आपके कारोबार में बार बार नजर लगती है, बार बार आप दुखी हो जाते हैं, कारोबार आपका बहुत अच्छा चलते चलते रुकता है, आपको लगता है ये व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करते हैं, किसी बंधन में आ गए हैं, तो रात्रि काल में बगला मुखी की आराधना कर दीजिए। साधक को रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आराधना करनी चाहिए। ओम भीम बगला मुखी सर दुष्टानाम वाचा मुखम पदम इतमा जीविका कुलका बदिविनाशना ओम भीम स्वाह। इस मंत्र से आप उच्चारण कीजिए। ये मंत्र आपको बड़ी सरलता से मिलेगा। इस मंत्र से उच्चारण करें। माँ कुष्मांडा के स्वरूप की आराधना उपासना करने से चौथे दिन आपकी आयु ऐश्वर्यता बल तो मिलता ही, आपका लोक परलोक सुधरता है। सृष्टि में आपका नाम शोहरत फैलता है, क्योंकि माँ ने जब अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, उस समय संरचना की थी ब्रह्मांड की, और इसीलिए इनको कहा गया है कि सूर्य मंडल के अंदर कुछ कोई वास कर सकता है, तो वो यही एक देवी ऐसी हैं जो सूर्य मंडल के अंदर वास करती हैं। माँ का जो शरीर है वो इतना आभा स्वरूप है कि जो सूर्य के अंदर किरणें हैं वो हमारे तक जो पहुंचती हैं वो माँ की शक्ति का ही कारण है। वो कुष्मांडा माँ है, और सूर्य के अंदर कितनी गर्मी होती है सोच लीजिए, और वो गर्मी जो है हमें मिलती है, और माँ हमें ये नहीं कि ज्यादा गर्मी देती है, जितनी हमें पर्याप्त है उतनी ही गर्मी देती है। 30-40-50 टेम्परेचर से ज्यादा नहीं माँ करती, अधिक कर दे तो 60 कर दे, 70 कर दे, वो क्या होगा। तो ये माँ का हमारे ऊपर एक कृपा है, तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। छोटी कन्याओं को हमें माँ का स्वरूप देखकर उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं महामाई ने कैसे हम पर कृपा बरसाई है, आज राशि वाले क्या करें, मेष राशि की बात कर लेते हैं। आज का दिन सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने का आपको सफलता दिलाएगा। क्या करें, 125 ग्राम बतासे कन्या को भेंट दो, सफलता का योग बनेगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की कामना करता है, अच्छे स्वास्थ्य की हर कोई कामना करता है, तो घर में कांसे के पात्र में जल भरकर उसमें पीले पुष्प डाल दो और घर के उत्तर पूर्व में रखो, रख के देखो आज के दिन। मिथुन राशि की बात करते हैं तो अपने पूजा वाले कमरे में झूठा पानी ना रखें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 9 फलों का ध्यान देना आपके लिए कल्याणकारी होगा। एक बार महामाई के नाम से 9 फल दान तो दो, आज कन्याओं को वितरण कर दो। बात कर लेते हैं कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। आज अपने घर के लिए हरी सब्जियां और फल खरीद कर लाओ, काया आपकी निरोगी होगी और कन्या को भेंट भी दो, लेके देखो। बात कर लेते हैं सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए क्या है।
भाई अपने कारोबार में उत्तर पश्चिम कोने में चांदी के पात्र में जल भर के रखो, खुशखबरी मिलती रहेगी। आज का दिन बड़ा प्रमुख है आपके लिए। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, बुध की राशि है। आप बेरोजगार हैं और अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, अब ये बहुत सारे व्यक्तियों के लिए ऐसी समस्या है। अब ये कोई भी कर सकता है, ये मत सोचिए कि कन्या राशि वालों के लिए ऊपर हमने विशेष रूप से महान माई ने कृपा बरसाई है। तो 8 वर्ष की कन्या को माता के सिंगार का सामान भेंट दो, तो बड़ा छोटा सा वो पाउच आता है, उसमें सभी होता है। और जब दो तो मन जो है आपका साधक का मन कहाँ होना चाहिए, माँ के चरणों में, उस बच्ची के चरणों को निहारना। या देवी सर्वभूतेषु रोजगार रूपेण संस्था, मुझे रोजगार दे दो। उन्नति रूपेण संस्था, शांति रूपेण संस्था, दया रूपेण संस्था, भक्ति रूपेण संस्था, ये मांगा करो। कोई भी कर सकता है, बड़ा सुंदर उपाय। कन्या राशि वाले करें तो विशेष रूप से उन्हें फल मिलेगा इन्हीं नवरात्रों तक। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। आशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता जी, बताइए जी। मेरा है जन्म 12/1958। फिर से देना है 12/1958। तारीख और महीना भी बताइए। 29/12 सवार स्थान मॉर्निंग 4:40 और मुंबई जी। क्या जानकारी चाहते हैं पंडित जी? आपसे पहले बात हुई थी, वो नवरात्रों का उपाय बताया था, वो किराएदार का था, तो जी याद आ गया हमको। आपने पूछा था किराएदार खाली नहीं करता कुछ ऐसी। जी जी याद आ गया। अब आपको वो समय है और आज ही वो समय है, बहुत अच्छा समय है। अब आपने क्या करना है, बगलामुखी यंत्र अगर आपको मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो नेट से बगलामुखी का चित्र लेके उसकी कॉपी निकाल लीजिए और उसको घर में स्थापित किए पीला रंग कर दीजिए, उस पर पीला रंग स्थापित करके उत्तर की तरफ रख दीजिए और संध्या काल के समय बैठकर पीले पुष्पों से पीले आसन पे एक माला से, तुलसी की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, या स्फटिक की माला हो, या रुद्रा, कोई भी माला ले लीजिए, जाप करना शुरू कर दीजिए। 108 बार जाप कीजिए, मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। एक किसी कन्या को पीले रंग की पोशाक भी भेंट दे देना और पीले केले देना, यानी कि केले का रंग पीला होता है ऊपर से, केले भी भेंट देना, देखे देखो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण। अभी लेते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का महा उपाय और उस महा उपाय में बताएंगे भाई गायत्री मंत्र, इसकी क्या है महिमा, क्या है अर्थ और करने से कैसे मिलता है लाभ। मिलते हैं चंपलों। एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का गुड लक, बात कर रहे हैं माँ कुष्मांडा की और सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ कुष्मांडा ने आपकी बाकी राशियों पर कैसे कृपा बरसाई। तुला राशि की बात करते हैं, आज आपको नजर दोष लग सकता है। एक केला, एक खीरा, एक गाय के बछड़े को खिलाओ, इससे नजर दोष कम होगा। व्यापारिक स्थल पर आपका जो स्थल है उस पर गोमूत्र का छिड़काव भी करें, इससे भी नजर कम होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर आप बढ़ते हुए शत्रुओं से परेशान, गुप्त शत्रु भी कभी कभी परेशान करते हैं, तो उत्तर की दिशा में बगुलामुखी यंत्र की आज स्थापना कर लो, समझ लो आपका कल्याण होगा। माँ की उपासना करने से आप खाली नहीं रहोगे, रक्षा करती है आपकी। धनु राशि की बात करते हैं, गुरु की राशि है। आप शिक्षा के क्षेत्र से अगर जुड़े हैं तो विद्यार्थियों पर गुस्सा ना करें, नहीं तो दोष लगता है। सरस्वती माँ की फोटो लगाओ, उनकी आराधना करो, विद्या बढ़ेगी। बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए, बच्चों के लिए आज खिलौने खरीद कर दो, छोटी छोटी कन्याओं को खिलौने खरीद कर दो, विशेष रूप से आपको प्रसन्नता मिलेगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि। शनि की राशि है, परिवार के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आज फूलों का पौधा अवश्य लगाना, लगा लो, खुशहाली रहेगी। बात कर लेते हैं मीन राशि। मीन राशि की बात करते हैं, अपनी दुकान के उत्तर की दिशा में बैठो,
यानी कि मुख कर बैठने से तो कारोबार बढ़ेगा। एक कन्या को चुनरी और नारियल की भेंट भी देना आज के दिन। कारोबार में जैसे ही बैठोगे सबसे पहले गले में से पैसे निकालकर किसी कन्या को बुलाकर नारियल चुन्नी की भेंट दे देना, कारोबार बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार, बताएं। सर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी डिटेल बताइए पंकज जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। जी जी कर दिया जी। आप समय बहुत ले रहे हैं पंकज जी, समय कम लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग मीटिंग पे होते हैं और आजकल हम कम कॉल ले पाते हैं। पंकज बोल रहा हूँ जी गाजियाबाद से। सर जी बताएं, डिटेल बताइए पंकज जी। डिटेल यू है बता दो, टाइम बहुत खराब चल रहा है जी। पंकज जी आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है बिल्कुल भी? 17/7/1989। 17/7/1989। 89 हाँ जी। 89 79 89। समय स्थान बताइए। समय तो पता नहीं है जी, स्थान जलालाबाद गांव है। क्या जानकारी चाहते हो, क्या समय खराब चल रहा है आपका? कहीं से भी कुछ नहीं हो पा रहा, जी काम करते हैं सब में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल आपको बता दें, अगर आपका जन्म इसी दिन हुआ है तो यहाँ पर उस दिन मूल चल रहे थे, यानी कि गण मूल आपके चल रहे थे, और ये नक्षत्र की बात करते हैं तो इस नक्षत्र के आधार पर आपको सबसे पहले माता रानी के दिन है, इन दिनों में कन्या पूजन करना चाहिए, विधिवत कन्या पूजन कीजिए, आपके कारोबार में तरक्की होगी। करें क्या आप 9 दिन लगातार तो नहीं अब पूरे आपके पास रहे, मगर 9 नारियल की भेंट आपने अवश्य देनी होगी। एक उस पर चुनरी और उस पर मोली बांधिए 27 बार, किसी कन्या को बतासों के साथ भेंट दीजिए, आने वाले नवरात्रों तक आपके काम बनते नजर आएंगे। जय माता दी। अगले कॉलर है हमारे साथ, बहुत बहुत रीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। कल्याण जी आपका। मैं बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है कि 17/12/1980। 17/12/1980 हाँ। टाइम है 9:32 AM। कहाँ का जन्म है? लखनऊ। क्या जानकारी चाहते हैं? उसने इधर नौकरी के लिए भी बहुत भरा है तो उसकी कहीं सर्विस लगेगी नहीं लगेगी, और उसको दूसरा मतलब उसका पति सुख है कि नहीं है, और इसकी अच्छी लाइफ कैसी रहेगी। अभी कहाँ पे रहती है बिटिया? मैं क्यों रहती है। कितने टाइम हो गया वापिस आए हुए? 6 साल 7वां साल चल रहा है। आपने कुंडली मिलाकर शादी नहीं करी थी? है? कुंडली मिलाकर शादी नहीं करी थी आपने? नहीं कुंडली तो मिलाई थी पंडित जी, बस किस्मत नहीं मिल पाई थी। देखें आपके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं, जब तक आप शुक्र मिलान ना करें तब तक विवाह करने की कोशिश भी ना करें। शुक्र यहाँ पर नवांश कुंडली में पति के घर में बैठा है, जबकि राहु इनके लगन भाव में बैठा है पति के घर में, तो विवाह करने से पूर्व कुंडली पूर्णता मिलानी चाहिए। जबकि बिटिया मंगली थी आपकी और नवांश कुंडली से मंगली नहीं थी, ये बहुत बड़ी विशेष गलती होती है, कभी कभी किसी कारणवश हम ऐसा कर लेते हैं। अब करें क्या उपाय, अब जो हो गया वो तो हो गया। इनसे तो ये छठा नवरात्रा है माँ का, यानी कि इनकी उपासना करें, आराधना करें, पूजा करें, और 5 कन्याओं को पोशाक दें, यथाशक्ति कम और ज्यादा दें, और 6 कटोरों में जल भर के रखें, 6 कटोरों में जल भर के रखें 5वें नवरात्रे पर, यानी कि कल के दिन दूध के साथ मिला दें और थोड़ा गाय का दूध भी डाल दें, और उसके बाद पीपल पर चढ़ा दें, करके देखें इस उपाय को। जय माता दी। अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं, नवरात्रों का समय दुर्गा की आराधना पूजा करने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। सुबह से हम दोनों समय माँ माई की पूजा और आराधना करनी चाहिए, साथ में गायत्री मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवर्णेय भर्गो देवसदी महेश्वरः प्रचोदयात्। इसका मतलब भी हम समझते हैं, प्राण स्वरूपा सभी दुखों को हरने वाला, सुखदायक करने वाला श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा परमेश्वर, उनको हमारा ये प्रणाम। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारी बुद्धि सत्मार्ग में चले और हमारी बुद्धि निर्मल हो और निश्चल हो। इसका अर्थ भी है गायत्री मंत्र का, ओम का मतलब होता है उन्नत, भूर का मतलब प्राण, हो का मतलब होता है दुखों का नाश करने वाला, स्व का मतलब होता है सुख,
प्रदान करने वाला, जो सुख प्रदान। तत् का मतलब होता है वह, सवितुर का मतलब होता है सूर्य की भांति उज्ज्वल, वर्णेनम सबसे उपयुक्त, भर्गो का मतलब उदार करने वाले, उदार कर दिया, देवश प्रभु, धीमही का मतलब ध्यान योग्य, देव बुद्धि यो जो ना हमारी, प्रचोदयात मतलब हम शक्ति, हमें शक्ति प्रदान करो। इस मंत्र का बड़ा सुंदर मतलब, अच्छा इसे दिन में करना चाहिए, नवरात्रों में तो किसी भी समय कर सकते हैं, मगर दिन में जब सूर्य गायत्री है, ये सूर्य को जल दें तब भी कर सकते हैं। वैसे तो सूर्य के बहुत सारे मंत्र हैं, दिन में बैठकर एक माला किया करो नवरात्र में, इससे आपकी शक्ति का विकास होगा, काया आपकी रोगी होगी, आपका जो औरा होता है ना वो आभा उभर जाएगा। क्या कहता है गुंडक टिप आज का, अपने कारोबार और घर के ईशान में लाल कपड़ा बिछाकर स्फटिक यंत्र की स्थापना करो, माता के दिनों में किया करो, दीप जलाया करो, धुनी दिखाया करो, धूप दिखाया करो, उसके बाद आपके बहुत सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। श्रीयंत्र रखना, स्फटिक का श्रीयंत्र रखना, समझ लो कि ये कल्याणकारी है, धन का जो है ना अभाव नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, माँ के नए स्वरूप का, स्कंद माता क्या कहती हैं, क्या हम पे आशीर्वाद देती हैं और आप पे कैसे कृपा बरसाएंगी। आप बने रहें समाचार प्लस के साथ, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।